जब हम पहली बार कोई नया कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो हमें पसंद आ जाता है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर उसका सीक्वल बन कर आए तो वहां पर इंटरेस्ट कम हो जाता है। मैं देखो यार हर मूवी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ एक मूवीज के साथ ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा सेकंड मैट्रिक्स मूवी के बारे में, जो 2003 के अंदर आई थी। और इस मूवी की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट के आसपास है। और जब मैंने इसकी फर्स्ट मूवी देखी थी तब से तलब मच गई थी इसकी, जो बाकी बची दो मूवी है उनको जैसे तैसे खत्म करूं, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी फर्स्ट मूवी। तो सेकंड मूवी तो मैंने फर्स्ट मूवी खत्म होने के तुरंत बाद देख ली थी, लेकिन थर्ड मूवी को देखने का टाइम नहीं मिल पाया था। खैर वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं कि देखो इसकी फोर्थ मूवी आने वाली है, यानी फोर्थ मैट्रिक्स मूवी आने वाली है। तो इसकी जो पहली तीन मूवी जा चुकी है 1999 में, यानी 1999 के अंदर जो मूवी आई थी फर्स्ट, फिर 2003 सेकंड आई थी, फिर इसके बाद थर्ड मूवी आई थी, तो एटलीस्ट उनको खत्म करूं, कहानी समझ में आए, और जब ये मूवी देखने जाऊं यानी फोर्थ मूवी देखने जाऊं तो इसकी कहानी मुझे समझ में आ जाए। अब कहानी की चर्चा कर लेते हैं। देखो अगर आप लोगों ने फर्स्ट मूवी नहीं देखी है तो आपको सेकंड मूवी बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आने वाली, ऊपर से जाने वाले कि यार ये क्या हो रहा है, यहां पर ये लोग उड़ कैसे रहे हैं, कभी ये बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी इनके कपड़े चेंज हो रहे हैं, ये चल क्या रहा है। सच में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने फर्स्ट मूवी का रिव्यू किया था, इसकी मैट्रिक्स मूवी का फर्स्ट मूवी का रिव्यू किया था, तब मैंने बताया था कि मैं इस मूवी को देखने के लिए मैं डर रहा था कि यार मुझे समझ में आएगी कि नहीं आएगी। रीजन ये था कि इसकी सेकंड मूवी कभी टीवी पर आई थी और वहां पर मैंने इसको देख लिया था, तो वहां पर मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार चल क्या रहा है यहां पर, यार ये लोग कैसे उड़ रहे हैं, अभी कोमा में चले गए, यहां पर चीजें अजीबोगरीब ढंग से हो रही हैं, कुछ भी चल रहा है। तो वहां से एक डर क्रिएट सा हो गया था, यार ये चीज समझ में नहीं आने वाली है। अगर ऐसा नहीं चाहते जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया था तो मतलब भाई आप ये सेकंड मूवी मत देखना, इससे पहले फर्स्ट मूवी देख लेना ताकि आपको कहानी समझ में आए, ये चीजें चल कैसे रही हैं, काल्पनिक क्या है, रियल क्या है, मशीनों का एक आक्रमण हो चुका है, कैसे हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट मूवी के अंदर दिखाई गई है। कहानी को आगे बढ़ाते उसमें दिखाया गया कि अब मशीनें जो है जहां पर जो एक इकलौता शहर बचा है जहां इंसान रह रहे हैं जमीन के नीचे, तो वहां पर मशीनें पहुंचने वाली हैं, या कहें कि पहुंच चुकी हैं उनको खत्म करने के लिए, मतलब पहुंच चुकी हैं लगभग, थोड़ा समझो यार, पहुंचने वाली है। अब यहां पर इंसान अपने आप को बचाने के लिए मैट्रिक्स में वहां पर पहुंच चुके हैं, मतलब वहां पर वो भी पहुंचना चाह रहे हैं जिसने ये मैट्रिक्स रचा था, ताकि उसको खत्म कर सके, ताकि बाकी इंसानों को जगाकर उनको असलियत में लाया जा सके और उनको बता सके कि देखो मशीन तुम्हें मारने वाली है, तो जागो हमारे साथ दो ताकि हम इन मशीनों से लड़ पाए। देखो मैंने कितना इजी वे से आप लोगों को सेकंड मूवी की स्टोरी बता दी, बट इतना आसान नहीं है। सच में सेकंड मूवी मुझे पजल लगी फर्स्ट मूवी के कंपैरिजन में। फर्स्ट मूवी तो मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन सेकंड मूवी के अंदर जो एक सीन आता है लास्ट के अंदर, नियो और जो ये रचयिता है मैट्रिक्स के, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो बताते हैं कि नियो के पास पावर कैसे हैं, ये सारी चीजें। देखो मैंने वो सीन दो बार देखा और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, यार ये बात क्या कर रही है, कहां से कौन सी पावर आ रही है, क्या बात हो रही है, सच में मेरे ऊपर से गए लिटरली दो बार सुनने के बाद। तो यहां पर मुझे वो पजलिंग सीन लगा। अब एक प्रोग्राम है ओरेकल जिसका नाम है, वो इंसानों के लिए मतलब इंसानों की हेल्प कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है वो चीज समझ में नहीं आ रही। अब जो फर्स्ट मूवी जो खत्म हुई थी उसके एंडिंग में जैसे नियो की पावर आती है सामने की, भाई नियो अब कुछ भी कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, उसका जवाब भी सेकंड मूवी में नहीं मिल रहा है। शायद ये सारे सवालों के जवाब थर्ड मूवी में मिल पाए, मैंने नहीं देखी है, शायद देखूं तब इन चीजों को समझ पाऊं कि हाँ एटलीस्ट इनको पावर यहां से मिली है और एकल क्यों हेल्प कर रही है, आने वाली मूवी में शायद वो जवाब मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं बेसब्री से वो जानना चाहता हूं। एक और सवाल खड़ा हो जाता है सेकंड मूवी के अंदर की, हाँ मैट्रिक्स के अंदर जाते ही नियो के पास तो पावर है, ऑब्वियसली वो एक प्रोग्रामिंग दुनिया है, वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको जब समझ में आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर उसके पास कैसे पावर आ रही है, क्या वो प्रोग्राम है, जैसे बताया जाता है कि वो एक प्रोग्राम है, बट मुझे सच में वो वाला सीन बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ दो बार सुनने के बावजूद भी, इसलिए सेकंड मूवी मुझे थोड़ी पेचीदा लगी और इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी कम हुआ, थोड़ा बहुत इसके अंदर इंटरेस्ट कम हुआ। लेकिन अगर इसकी अच्छी बातों की बात करूं तो अच्छी बातों में तो मतलब फाइटिंग सीन मुझे काफी बढ़िया लगे। फर्स्ट मूवी के अंदर उतने फाइटिंग सीन नहीं थे जितने इसके अंदर है, काफी बढ़िया लगे जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया। हाँ VFX का शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें ऐसा हो सकता है कि यार चीप VFX दिए गए, और वो तो मुझे भी लगे। देखो फर्स्ट मूवी का अगर कंपैरिजन करूं VFX के मामले में, मुझे फर्स्ट मूवी के अच्छे लगे कि हाँ ठीक लग रहा है, उसके टाइम के उस टाइम के अकॉर्डिंग की बात करूं तो हाँ भाई उसके हिसाब से काफी अच्छे कर रखे हैं। लेकिन सेकंड मूवी 2003 में आ रही है, वहां पर भी हमें चीप सी फीलिंग आ गई, जब नियो स्मिथ के हमशक्ल से लड़ रहा होता है, काफी सारे हमशक्ल आए होते हैं उनसे लड़ रहा होता है, तो वहां पर एक चीप फीलिंग आती है। अब इतनी सारी बुराइयां कर दी हैं, ऑब्वियसली डिसलाइक आने वाले हैं कि यार तुझे नहीं पता है मूवी कैसी। देखो मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, इतनी सारी बुराई करने के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि आप जाकर ये मूवी देखें।
हाँ VFX में शायद कमी हो सकती है, थोड़ी बहुत पेचीदा लग सकती है, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं करेगी। बोर वहां करेगी जहां आपको समझ नहीं आ रही होगी, वहां ये लगेगा यार ये चल क्या रहा है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। पर तकरीबन जो इसकी लेंथ है 2 घंटे 15 मिनट, वो कब बीत जाएंगे वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से लगता है कि मूवी अच्छी है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7/10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो ऑब्वियसली जाकर देखो, बट इसका पहले पार्ट से स्टार्ट करना, तभी इसका सेकंड पार्ट समझ में आएगा। वरना भैया सेकंड पार्ट सीधा देख लिया तो सच में आप देखने के भी नहीं इच्छा करेगी कि यार मैं इसका फर्स्ट पार्ट भी देखूं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।